अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या पहले भी इसके बारे में सुने हैं और ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन से प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग शुरू करें, ब्लॉगस्पॉट या वर्डप्रेस, होस्टिंग और डोमेन क्या है और इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, नीस क्या है और नीस और मल्टी नीस ब्लॉगिंग में कौन सा बेहतर है, कौन सा लैंग्वेज बेस्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएं और भारत के कुछ बड़े ब्लॉगर और उनकी इनकम के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लॉग, ब्लॉगर और ब्लॉगिंग क्या है। कोई भी कंटेंट, आर्टिकल या पोस्ट जो कि रिटेन फॉर्म में हो, जिसे हम पढ़ सकते हैं, उस कंटेंट को हम ब्लॉग कहते हैं। जैसे आप कोई भी सर्च इंजन गूगल, याहू या बिंग पर जाकर किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल आपको रिकमेंड किया जाता है और वो सब ब्लॉग होता है। और ब्लॉग बनाने का पूरा प्रोसेस, जैसे कि लिखना, पोस्ट डालना, पब्लिश करना, ब्लॉगिंग कहलाता है। और जो पर्सन ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें हम ब्लॉगर कहते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला है डोमेन नेम। साधारण भाषा में एक डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम है, जिससे इंटरनेट यूज़र आपकी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। जैसे youtube.com, बहुत सारे फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फ्री सब डोमेन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लॉग से ऑनलाइन पहचान बनानी है, तो आपको डोमेन नेम खरीदना चाहिए। डोमेन नेम लेने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है GoDaddy। तो अब सवाल उठता है, कौन सा डोमेन नेम एक्सटेंशन लें। जैसे youtube.com में .com डोमेन नेम एक्सटेंशन है। अगर आपका कंटेंट इंडिया स्पेसिफिक है या इंडियन यूज़र्स के लिए है या हिंदी में है, तो आपको .in डोमेन एक्सटेंशन लेना चाहिए। अगर आपका कंटेंट वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के लिए भी है या इंग्लिश में है, तो आपको .com डोमेन एक्सटेंशन लेना चाहिए। ब्लॉगिंग के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ वेब होस्टिंग है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाना है, तो आपको वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसे ब्लॉगर आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ब्लॉगर की कुछ लिमिटेशन है। ब्लॉगर के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको वर्डप्रेस पर जाना होगा। वर्डप्रेस खुद तो फ्री है, लेकिन वर्डप्रेस पर वेबसाइट लाने के लिए वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेब होस्टिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म GoDaddy और SiteGround है। तो अब बात करते हैं ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ब्लॉगर या वर्डप्रेस। लेकिन इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगर या ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म की। अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ब्लॉगस्पॉट अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। ब्लॉगस्पॉट गूगल का प्लेटफॉर्म है और आपके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है, चाहे SEO हो या कस्टमाइजेशन की बात हो। वहीं अगर आप वर्डप्रेस को एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस आपको आपके ब्लॉग पर पूरा कंट्रोल देता है, आपको SEO का पूरा कंट्रोल मिलता है। आप अपने मन मुताबिक ब्लॉगिंग ऐड कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को SEO फ्रेंडली बना सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, आखिर ये SEO क्या है। अगर आप गूगल पर किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल आपके सामने आती है। जो टॉप के 5 आर्टिकल होते हैं, इसके पीछे अच्छी SEO टैक्टिक्स होती है, जो इसे टॉप 5 में लाता है। वर्ल्ड का 37% वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, और जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं, वो सब वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं। तो अब सवाल उठता है, आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसे बनाएं। तो यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छा चैनल है, नैयर शेख, उसमें डिटेल में वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखाया गया है। तो अब जानते हैं नीस क्या है, नीस और मल्टी नीस ब्लॉगिंग में कौन सा बेहतर है। सबसे पहले जानते हैं नीस का मतलब क्या है। अगर आपका एक ब्लॉग है और उस ब्लॉग पर केवल फूड प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपकी ब्लॉगिंग की नीस फूड ब्लॉगिंग है। तो नीस ब्लॉगिंग और मल्टी नीस ब्लॉगिंग में कौन सा बेहतर है। नीस ब्लॉगिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की जाती है,
जैसा कि आगे मैंने बताया, नीज ब्लॉग का ट्रैफिक टारगेटेड होता है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सर्च करता है तो संभावना है कि गूगल आपके ब्लॉग को उन्हें रिकमेंड करेगा। सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग नीज ब्लॉगिंग को मल्टी नीज ब्लॉगिंग के मुकाबले पहले प्रिफर करता है। नीज ब्लॉगिंग में एफिलेट मार्केटिंग और एफिलेट एड से मल्टी नीज ब्लॉगिंग के मुकाबले ज़्यादा कमाया जा सकता है। और जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं वो एफिलेट मार्केटिंग और एफिलेट एड्स का यूज़ करके ही कमाते हैं। तो अब जानते हैं मल्टी नीज ब्लॉगिंग के बारे में। मल्टी नीज ब्लॉगिंग में तरह तरह का कंटेंट डाला जाता है जो कि ट्रेंड में होता है। एफिलेट मार्केटिंग और एफिलेट एड्स के लिए मल्टी नीज ब्लॉगिंग साइट बढ़िया नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि नीज ब्लॉगिंग में मल्टी नीज ब्लॉगिंग के मुकाबले ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले ब्लॉगिंग नीज को चुनें। अब बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज में ब्लॉगिंग शुरू करें, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड है तो इंग्लिश ब्लॉग शुरू करें, या हिंदी लैंग्वेज में अच्छी कमांड है तो हिंदी ब्लॉग शुरू करें। क्योंकि ब्लॉगिंग में लिखा जाता है और अगर आपका आर्टिकल अच्छी तरह लिखा होगा तभी लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश ब्लॉग लिखते हैं तो आपकी आर्टिकल को US और UK जैसे कंट्री में भी पढ़ा जाएगा। US और UK का CPM यानी कि 1000 इम्प्रेशन पर जितना पैसा मिलता है और CPC भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वहीं हिंदी ब्लॉग भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कंट्री में पढ़ा जाता है जहाँ की CPC और CPM बहुत कम होती है, जिससे आपकी कमाई कम होगी। ब्लॉगिंग में पैसे कमाने के लिए SEO आपको ज़रूर आना चाहिए, जो कि YouTube पर बहुत लोग सिखाते हैं। तो आखिर में ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएं? एफिलेट मार्केटिंग से कमा सकते हैं, गूगल एडसेंस से कमा सकते हैं, वर्डप्रेस एडवर्टाइजिंग प्लगिंग का यूज़ करके कमा सकते हैं, लिंक प्लेस करके कमा सकते हैं, ईबुक सेल कर सकते हैं, कोर्स सेल कर सकते हैं, किसी ब्रांड को स्पॉन्सर करके कमा सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। लेकिन मोस्टली बड़े ब्लॉगर इन्हीं तरीकों का यूज़ करते हैं। अगर आप यूट्यूब या गूगल पर देखें, जितने भी ब्लॉगर जो 3-4 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो 3 से 10 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं। इस वीडियो में मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और स्टार्टअप और बिजनेस आइडियाज़ के लिए यूनिकॉर्न स्टोरीज से जुड़ जाए। धन्यवाद।